क्या आपके भी WhatsApp पर कोई भी कॉल करता है तो उसका नोटिफिकेशन शो नहीं होता है? क्या आपके भी WhatsApp पर कोई भी कॉल आता है तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर या फिर कहीं पर भी नोटिफिकेशन शो नहीं होता है कि किसी का कॉल आ रहा है WhatsApp पर और सिर्फ आवाज़ सुनाई देता है? तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हम अपने दूसरे फ़ोन से इस WhatsApp पे फ़ोन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में इस फ़ोन में कॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है कहीं पर भी, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे WhatsApp में यहाँ पर कॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है कि WhatsApp पे कॉल भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले WhatsApp को ओपन करते हैं, और WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस कॉल का यहाँ पर दिख रहा है और कॉल्स में यहाँ पर 4 मिस कॉल आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमें कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं हुआ है कि WhatsApp पे कॉल भी आया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेटिंग को सही करना होगा, इससे कि कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक सेटिंग है वो बिगड़ गया होगा, जिससे कि यहाँ पर WhatsApp पे कोई भी कॉल आने पे नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कॉल्स का, तो हमें क्या करना है, कॉल्स पे क्लिक कर लेना है और नीचे रिंगटोन पे क्लिक करके रिंगटोन पे सेलेक्ट करके, और सबसे पहले आपको रिंगटोन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो भी आपको डिफ़ॉल्ट रिंगटोन होते हैं जो आपके फ़ोन में, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है वाइब्रेट, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट पे ही सेलेक्ट रहने देंगे। इतना करने के बाद ये जो हमारा WhatsApp का सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। ठीक है, मोबाइल के सेटिंग को ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, इस पर क्लिक करेंगे। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर ये जो है ऐप्स बहुत सारे खुल जाएंगे। सबसे ऊपर में लिखेंगे WhatsApp, WhatsApp जैसे ही लिखेंगे WhatsApp आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है नोटिफिकेशंस, देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नोटिफिकेशंस का जो ये ऑप्शन है ये बंद हो चुका है। तो हमें इस पर सिंपल सा इसे ऑन कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सारे नोटिफिकेशन है ये सभी को ऑन कर देना है। और अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर कॉल्स का एक नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर कॉल्स का नोटिफिकेशन, तो ये भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना कर लीजिए। उसके बाद ये जो है, तो इतना करने के बाद जो ये हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, हमारा सेटिंग जो है वो पूरा पूरा सही हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन से इस पर कॉल करते हैं और अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कॉल किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल रिसीव करने का या फिर डिसक्लेम करने का, काटने का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने WhatsApp के इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और अब हम WhatsApp को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉल का एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने WhatsApp के कॉल के नोटिफिकेशन को ठीक कर सकते हैं।